हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर ऑब्जेक्ट और हम लोग कैसे एक कस्टम एरर को थ्रो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। तो मैं सिंपली करूँगा राइट क्लिक एंड सो मोर ऑप्शन एंड उसके साथ ओपन विथ कोड करके मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। एंड VS कोड के अंदर इसको ओपन करने के बाद सिंपली जो मेरा प्रीवियस कोड था उसको मैं हटाऊंगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार कि मेरे पास यहाँ पे तीन फाइल है। ये डेस्कटॉप INE सिंपली ये प्री डिफॉल्ट फोल्डर फाइल है, तो मैं इसको सो नहीं करूँगा। बाकी मेरे पास एक HTML फाइल है जो कि हम लोग इस कोर्स में यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो अपना स्क्रिप्ट डॉट JS फाइल है उसको हम लोग HTML के साथ कनेक्ट कर पाए। एंड यहाँ पे मेरा JavaScript का फाइल है जो कि अभी बिल्कुल खाली है, एंड CSS का फाइल जो कि ये भी बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि यार ये जो एरर ऑब्जेक्ट होता है ये होता ही क्या है। तो मैं सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक बनाऊंगा, एंड ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एरर को जनरेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे सिंपली मैं किसी का नाम लिख दूंगा, जैसे अपना नाम मैं लिख लेता हूँ त्रिभुवन। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक एरर यहाँ पे थ्रो करा है एंड बेसिकली एक एरर को क्रिएट करा है, एंड इसको मैं कैच ब्लॉक के साथ इसको कैच करूंगा। एंड कैच हमारा क्या होगा, कैच हमारा एक एरर होगा, तो मैं सिंपली इसको कैच करूंगा विथ एरर ऑब्जेक्ट। एंड ये जो एरर होता है उसको मैं कंसोल लॉग करूंगा एरर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है यार कि जो हम लोग का त्रिभुवन है ये डिफाइंड नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो यहाँ पे कंसोल लॉग जो है वो क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा। ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक है वो क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। एंड ये एरर जो है वो हमारे कैच ब्लॉक में जाएगा। अब ये कैच ब्लॉक जब इस एरर को कैच करेगा तो वो क्या करेगा, सिंपली कंसोल लॉग कर देगा एरर को। एंड इस प्रोग्राम को हम लोग सिंपली लाइव करते हैं, एंड ये हमारा 5500 पोर्ट पे ओपन हो गया है, एंड इंस्पेक्ट करके कंसोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो एरर है वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं फिर से रिलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो एरर है वो सिंपली क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अभी जो एरर हमको मिला है ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एरर को एरर इज अ ऑब्जेक्ट। तो मैं अगर इस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई तो ऑब्जेक्ट का कुछ की भी होगा, तो मैं अगर यूज करना चाहता हूँ कि एरर में, यार बताओ एरर का नेम क्या था। ठीक है, तो मैं सिंपली एरर का नेम ये यूज कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एरर क्या था, ये एरर कौन सा था, रेफरेंस एरर था। ठीक है, अगर मैं एरर डॉट मैसेज करता तो मुझे क्या मिल जाता, एरर का मैसेज मिल जाता। ठीक है, एरर डॉट मैसेज, एरर डॉट मैसेज, तो एरर डॉट मैसेज करने से क्या होगा, मुझे बेसिकली मेरे एरर का मैसेज मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोग का जो एरर है उसका मैसेज यही है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज मिल गया। तो नेम होता है, मैसेज होता है, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरर डॉट स्टैक, एरर डॉट स्टैक। अब एरर डॉट स्टैक क्या करता है, एरर डॉट स्टैक बेसिकली आपका पूरा का पूरा एरर, मतलब कि जो आपका नेम है और आपका मैसेज है वो दोनों का कम्बिनेशन ही आपका क्या होता है, एरर डॉट स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया यार कि एरर ऑब्जेक्ट होता क्या है, एंड एरर ऑब्जेक्ट में कौन कौन से की होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यार आता है कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एक कस्टम एरर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू क्रिएट क्रिएट अ कस्टम एरर। ठीक है, मतलब कि यार हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद से कैसे एक एरर बना सकते हैं। मान लो एक सिनेरियो है, केस है, जहाँ पे अगर एज जो है वो 100 से ऊपर हुआ, तो हम लोग चाहते हैं कि एक एरर थ्रो करें जहाँ पे हम लोग ये बेसिकली बताना चाहते हैं कि जो एज है वो 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब केस है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक प्रॉम्प्ट बनाऊंगा कि लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, एंड प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा यार कि एंटर योर एज, एंटर योर एज। ठीक है, मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से मैं एज को एंटर करूंगा, एंड एज लेने के बाद मैं क्या करूंगा, एज लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एज को चेंज करना है नंबर में, क्योंकि आपको पता है जब भी मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ये बेसिकली मुझे क्या देगा, एक स्ट्रिंग देगा, तो इसको मैं सबसे पहले चेंज करूंगा एक नंबर में। तो लिखूंगा एज इज इक्वल टू पार्स इंट, एंड पार्स इंट करके मैं किसको यूज करूंगा, पार्स इंट के अंदर मैं एज दूंगा। अब इससे क्या होगा, मेरा जो एज है वो नंबर में चेंज हो जाएगा, एंड मैं लिखूंगा कि अगर एज बड़ा हुआ किससे, 100 से, अगर एज बड़ा हुआ 100 से तो क्या होगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे थ्रो करना है एक एरर। मुझे क्या थ्रो करना है, मुझे थ्रो करना है एक एरर। तो कोई भी खुद से एक एरर को क्रिएट करने का कमांड होता है, आप लोगों को लिखना है थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर।
अब जैसे यहाँ आप लिखते हो थ्रोन यू एरर, तो एरर बेसिकली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक मैसेज ले रहा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज ले रहा होता है जो कि एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा कि इनवैलिड एज, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इनवैलिड एज। अब ये लिखने से क्या हुआ भाई, ये लिखने से ये हुआ कि अब ये कमांड जो है वो आपको एक एरर थ्रो करेगा, एंड उस एरर का मैसेज जो होगा वो क्या होगा, इनवैलिड एज होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि एल्स में कंसोल लॉग, थैंक यू फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके सिंपली रिलोड कर लेता हूँ, एंड ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझसे एज पूछ रहा है। तो मान लो मैं एज दे देता हूँ 15, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ना ही कोई एरर यहाँ पे थ्रो हुआ है, बस यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ 100 से बड़ा 120, एंड ओके मैं करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक एरर जनरेट हो गया, एंड उस एरर का मैसेज क्या है, इनवैलिड एज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना खुद का एक कस्टम एज भी बना सकते हो, बेसिकली कस्टम एरर भी बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज के वीडियो में इतना यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। बाकी जो जावास्क्रिप्ट कोर्स है अपने चैनल कोड विथ रोहन 6203 पे, उस पे जाके आप लोग उस कोर्स को फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।